पत्रकार साथियों, आप सब से मिलकर बेहद खुशी हुई है। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, करीब एक महीना हुआ हमें गुजरात का प्रभार सौंपने, और इस एक महीने में हम चौथी बार आए हैं। पहली बार हम आए तो प्रदेश एग्जीक्यूटिव की बैठक हमने ली, दूसरी बार हम सूरत में गए, वहां पर हमने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ पूरा ब्यौरा लिया अकेले में। फिर हम बरोड़ा गए, वहां पर हमने 18 जिलों के अध्यक्ष और प्रमुख नेताओं के साथ में जिला वाइज चर्चा की, और आज अहमदाबाद में सुबह से लेके 9 जिलों का ब्यौरा लिया। सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, युवक और सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और कल इसी तरह की बैठक हमने राजकोट में रखी है, जहां हम रात में जा रहे हैं, जहां पर बचे हुए 8 जिलों का ब्यौरा लेंगे। नेता और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा में खुशी की बात यह है कि गुजरात में हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, संगठन के सामने और लोकसभा का चुनाव मद्देनजर रख के, उसका मुकाबला करने के लिए पार्टी सक्षम है। पार्टी की तैयारी शुरू हो चुकी है और जगह जगह पर हमारे नेताओं ने आश्वस्त किया है कि विधानसभा में जो गलतियां हुई, खामियां रही कैंपेन में, उम्मीदवारों में, उसे दुरुस्त करके लोकसभा में भारी मतों से ज्यादा सांसद गुजरात से जिताने का प्रयास उनका यशस्वी रहेगा। ये आश्वासन आज सभी लोगों ने दिलाया है, बरोड़ा में भी दिलाया और आज भी दिलाया है। मैं आप सभी लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत बिना कोई भेदभाव तमाम राज्यों के जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हजारों करोड़ के प्रकल्प केंद्र सरकार ने, यूपीए की चेयरपर्सन हमारी सोनिया गांधी जी ने, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोगों को जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की आवश्यकता है, उसके लिए गुजरात में भी बहुत प्रकल्पों को मंजूरी दी है। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार की सहायता से, केंद्र सरकार की मंजूरी से, केंद्र सरकार की मदद से जिन प्रकल्पों को मंजूरी दी है या काम शुरू है, यहां की सरकार उसको अपना प्रोजेक्ट और अपनी उपलब्धियां बताने की कोशिश में है, जो पूरे देश भर में अब प्रचार करने के लिए निकले हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, झूठ मूठ का प्रचार करके कई जगह पर केंद्र सरकार पर उंगलियां उठाकर। एक उदाहरण दूं तो केंद्र सरकार की जो फाइनेंशियल डेट्स है सरकार के, उसके बारे में एक हमारे पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज में संबोधित करते हुए ये बात कही गई, जबकि 1,75,000 का बोझा तो गुजरात सरकार ने भी लादा है गुजरात की जनता पर। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें झूठ के आधार पर प्रचार करने का प्रयास कुछ लोगों ने अपनी आदत बना ली है, और आज केंद्र सरकार की तरफ से फूड सिक्योरिटी बिल, जिसके बारे में ऑर्डिनेंस निकाला गया, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से हमारे वचननामे में देश की जनता को हमने आश्वस्त किया था कि ये हम करवाएंगे, सो
सोनिया जी ने नेशनल एडवाइजरी कमेटी के तहत चर्चा, पूरे एक्सपर्ट्स, पूरे देश भर के एक्सपर्ट्स लोगों के साथ चर्चा करने के बाद राष्ट्रीय सरकार को, प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया था कि इस बिल को पारित करना चाहिए। वो कैबिनेट ने मंजूरी दिलाने के बाद उसे लोकसभा में पेश किया गया। स्टैंडिंग कमेटी में डेढ़ साल इसकी चर्चा हुई और जैसे कि आप सभी लोग वाकिफ हो, स्टैंडिंग कमेटी ऐसी कमेटी होती है जिसमें हर पार्टी के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहती है, अपनी ताकत के हैसियत से, अपने नंबर्स जो लोकसभा और राज्यसभा में है उसके आधार पर उनके उतने सदस्य रहते हैं। और करीब सवा डेढ़ साल की चर्चा के बाद एक यूनानिमस रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी की, केवल लेफ्ट पार्टीज की तरफ से एक एडिशनल नोट दिया गया कि जहां स्टैंडिंग कमेटी ने 70% लोगों को लाभ देने की बात कही, लेफ्ट पार्टीज की तरफ से ये बात रखी गई कि सभी को लाभ देना चाहिए। इतना ही फर्क था उसमें, नहीं तो तमाम पार्टियों ने वहां पर समर्थन करने के बाद, जो लोकसभा में पेश होने के बाद किस तरह की हरकत कौन से पार्टियों की तरफ से हुई है, ये बिल पारित न हो ये कोशिश किन लोगों से हुई है, ये देश के सभी नागरिकों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है। और मजबूरन ऑर्डिनेंस के तहत इसको लागू करने का प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है। उम्मीद हम यही करते हैं और आपके जरिए हम तमाम पार्टियों को अपील करेंगे कि 5 तारीख से शुरू होने वाला लोकसभा का सत्र, उसमें इस बिल को समर्थन वो दें ताकि देश के अर्बन एरियाज हो जिसमें 50% लोग, और ग्रामीण इलाके हो जहां 70% लोग, एवरेज 67% बेनिफिशियरी परसेंट लोगों को लाभ मिलेगा। 84 करोड़ पीपल विल बेनिफिट आउट ऑफ द स्कीम। इस बिल को पास करने के लिए लोगों को चाहिए कि जो पार्टियां विरोध कर रही हैं उन पर दबाव डाला जाए कि लोक हित में लाया हुआ इस बिल को वो पास करें। और यहां पर क्रॉप इंश्योरेंस के क्लेम्स के बारे में बहुत बड़ी चर्चा है, तमाम जिले के लोगों ने इस बात को, फार्मर्स की जो कठिनाइयां बड़ी है, केवल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी को गलत ब्यौरा राज्य सरकार की तरफ से पेश हुआ, इसीलिए ये क्लेम्स मिलने में मुश्किल हुए हैं। ये राज्य सरकार से हम अपील करते हैं कि क्लेम्स आसानी से मिल जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा तो बैंकों के पास, इंश्योरेंस कंपनीज के पास दिया हुआ है, वो मिल जाए और फार्मर्स लोगों को इसका लाभ जल्द से जल्द मिले ताकि राज्य सरकार अपना ब्यौरा दुरुस्त करके एग्रीकल्चर कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज को पेश करें, ये हम उम्मीद करते हैं। अन्यथा कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 या 3 हफ्तों के भीतर एक बहुत बड़ी रैली फार्मर्स की तरफ से सौराष्ट्र में रखी जाएगी, वो आंदोलन छेड़ा जाएगा और उनकी आवाज कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाई जाएगी ताकि उनको न्याय मिले। आज बहुत मुद्दों पर चर्चा हुई है, पार्टी मजबूत करने के हेतु से सभी लोगों ने अच्छा हिस्सा लिया, उपस्थिति भी बहुत बढ़िया रही हर जिले में, और संतुष्टि भी है कि ये जो नया प्रयोग हम लोगों ने शुरू किया, भले 7-8 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हो लेकिन उसकी तैयारी में पूरी पार्टी सशक्त है, मजबूती से काम कर रही है और तैयारी में जुटी है। आप कुछ भी पूछना चाहे तो एक्शन मोड तो शुरू हुआ है। नहीं, आप तो अभी सीख रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं और लोग आपको आश्वस्त कर रहे हैं, पर जैसे कहीं नहीं कहूँ स्वाभाविक है कि अगर 7 महीने बाद भी है तो जो कोई भी आएंगे या ये रहेंगे तो वो काम तो करना होगा ना। 2 महीने में तो हो नहीं सकता, फिर क्या होता है, परिणाम खराब आते हैं। सबसे पहला कि वो ही जो है उसको बलि का बकरा बना देते हैं। कोई बलि का बकरा बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो खुशी खुशी से अध्यक्ष हैं और खुशी खुशी से काम कर रहे हैं। डिसीजन
नहीं, किस मामले में डिसीजन की अपेक्षा करते हैं आप? उन्होंने इस्तीफा दिया है, अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर दिया है, अब कंटिन्यू है, कंटिन्यू है तो इस पर सवाल या निशान उठाने की जरूरत ही नहीं है। पार्डन, आज अब जब 3 महीने का प्रोग्राम इनसे मांगा है, अगले 3 महीने का प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, ये आप लोगों ने सुना है, ये आप लोगों ने सुना है, सिद्धार्थ भाई यहीं पर बैठे हैं, तो ये अभी अध्यक्ष के रूप में तो मोरवाड़िया जी ही काम कर रहे हैं, तो इस पर बहस ना होके दूसरा कोई सवाल पूछे। नहीं, ये तो पार्टी की जिम्मेदारी है, ये राहुल जी के सामने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्लान रखा था, वो अखबारों में कुछ गलत बातें छप के आई है, हर 3 महीने में वो एक रिव्यू मीटिंग लेते हैं। अब मैं 1 महीने से हूं तो मैं पहली बार रिव्यू कमेटी में, गुजरात के 7 अधिक पदाधिकारी बापू जी भी थे और अध्यक्ष भी थे और हमारे सेक्रेटरीज भी थे, इनके साथ में हमने उस मीटिंग में हिस्सा लिया। ये हर 3 महीने का उन्होंने तय किया है कि ब्यौरा लेंगे कि किस तरह से काम चला है, नेशनल फोरम। एक एक लेट मी कंप्लीट। वेल, एनी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रेटेजाइजेस इन इट्स ओन वे। वी आर इन डिस्कशन विद द पीसीसी हाउ टू टेक फॉरवर्ड द कांग्रेस कैंपेन। मोदी इज नो इशू फॉर अस, लेट अस वेरी फ्रैंकली टेल यू, आई रिपीटेड दिस इन बरोडा। नो, No, who, which two have been assigned? There are two people who have just been assigned to decide on who, which Congress leader will talk about Narendra Modi, Deepak Amin or Gandhi. So that is the responsibility given. Pardon? National coordinator. I don't know, I'm not privy to that, because since 9:30 our mobiles are all switched off and we have been interacting with state leaders. Exactly. So the idea is basically that Rahul Gandhi does recognize Narendra Modi as a force which needs to be countered. Do you agree? Are you going to work in that direction? Well, BJP is the main opposition party in the country. The BJP has chosen Narendra Modi as its campaign manager, and any party hoping to come back to power, that is the UPA, the front led by the Congress party, considers the BJP as its closest opposition, and therefore the Bharatiya Janata Party or its leaders who are assigned the task of taking on the Congress will naturally be the focus of attention of the Congress party. So there is no question about only targeting. Pardon? आप सवाल इंग्लिश में पूछा गया इसलिए मैंने जवाब दिया। आप हिंदी में सवाल पूछिए तो आपको हिंदी में जवाब देता है। ऐसा आप ऐसा सवाल, 128 साल की पार्टी है, किसी से डरने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं। आज ये तिरंगा अगर हर गांव में दिखता है पूरे देश में, तो एक दूसरी पार्टी हमारा विरोध करने की अगर सोचता है, गलत गलत आरोप लगाकर सोचते हैं कि उनको यश प्राप्ति होगी, तो कांग्रेस ने ऐसे बहुत चुनाव देखे हैं और ऐसे बहुत नेता देखे हैं। इसके अलावा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। अभी जो प्रचार चल रहा है, राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि डरो मत, मुकाबला करो, तो इसको किस देख रहे हैं, कितने डर रहे, किसका मुकाबला करेंगे? नहीं नहीं, कोई भी चुनाव में किसी एक व्यक्ति से डरने की आप लोगों को जो बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन है ये, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को का मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए
कि लोकसभा के चुनाव को हम कितना सीरियसली लेते हैं। ये देश के हित में और देश को सुरक्षित रखने का ये चुनाव है, और इसीलिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र में वो कांग्रेस के नुमाइंदों को जिता के लाए। और इसीलिए उनका कहना है कि विरोधी पार्टी जो भी हो, हर क्षेत्र में कोई अलग पार्टी हो सकती है, कहीं भारतीय जनता पार्टी होती है तो कहीं समाजवादी पार्टी है तो कहीं जेडीयू है तो कहीं और पार्टियां होती है, तो उन किसी से भी डरना नहीं है, और हमें के सिर्फ कांग्रेस को किस तरह से जिताना है ये उनका संदर्भ है। जनक भाई, जनक सभी ने उसका हम कंप्लेंट के जरिए उसको नहीं लेते, हम सुझाव की तरफ रहते हैं। हर एक ऐसा कौन सा सुझाव आपके पास आया है, आपने तीन जगह पे मीटिंग किया, आपके पास कौन सा सुझाव? नहीं, कई जगह पे सुझाव आए हैं कि वैसे ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को और एक्टिव करना चाहिए, तालुका कांग्रेस कमेटियां कई जगह पर प्रेसिडेंट हैं, कुछ ऑफिस बेयरर्स और बढ़ाने की आवश्यकता है, डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के बारे में उसके बारे में है, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स है हमारे ओबीसी है, माइनॉरिटी है, एससी एसटी के हैं, उन सभी संगठनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हर तरह का विचार, युवक कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, एनएसयूआई है, सभी के बारे में लोगों के सुझाव लेने के हेतु से ही ये बैठक लगाई है, ताकि जहाँ जहाँ भी लोगों को और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, सशक्त करने की आवश्यकता है, खामियां कहाँ है वो समझने का ये एक तरीका है। और जैसे एक्शन मोड आप पूछ रहे हैं, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे एक्शन भी लेते जा रहे हैं, लेकिन उसका ब्यौरा मीडिया को देने की आवश्यकता नहीं। मैंने जैसा अभी कहा, जैसे जैसे कहीं सुझाव आए हैं, कुछ पर फैसला तो इमीडिएट हुआ है, कुछ पर अधिकार इनको तुरंत दिया गया है, और कुछ पर जिसपे सेंट्रल हाईकमांड की अनुमति लगती है वो उनको प्रस्ताव भेजने के लिए हमने कहा है। तो ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे ब्लॉक का है इनके तहत ही अधिकार है, इनको जिला के पदाधिकारी बनाने के हैं, हमने एक तय किया है अभी राहुल गांधी जी के निर्देश पे कि महीने में एक बार जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी, तालुका लेवल पे होगी, ब्लॉक लेवल पे होगी, वार्ड लेवल पे होगी, और दो मीटिंगों में जो लोग नहीं आएंगे उनको निकाला जाएगा, और वहां पर नियुक्ति करना, ये आज इनको अधिकार दिया गया है कि वो अगर किसी को निकालना पड़े इस मामले की वजह से, कि जिनको बिल्कुल लापरवाही से जो लोग आते नहीं हैं, जिनके जेन्युइन रीजन से कोई बीमार है, किसी के घर शादी है, किसी के घर कोई और दूसरा कोई कांड हुआ है जिसकी वजह से वो नहीं आ सके आज, तो उनको माफ़ी है, लेकिन जानबूझकर लगातार दो मीटिंग में जो लोग नहीं आते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष को अनुमति दी है कि उस पर तुरंत कार्रवाई करें। तो ये एक्शन मोड शुरू हुआ है। ऐसे पार्टी में कहीं कहीं कोटा सिस्टम है ही नहीं, तो ये बात, ये सवाल ही बिल्कुल आपने जो पूछा है। हमारे लिए अभी न्यूज़ है, मैं राजस्थान का भी प्रभारी हूँ, हमने तो किसी से कहा नहीं। अब आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्या दिखा रहा है, सुबह से मुझे अभी तक तो कोई पता नहीं, अब देर रात राजकोट पहुंचने के बाद ही हम देखेंगे कि आप लोगों ने क्या न्यूज चलाई। बिल्कुल मिली, नाइन नेताओं के बारे में ऐसे नहीं मिली, वो कौन से नौ आप है वो आप मुझे अकेले में बताइए, लेकिन ये जरूर मिली है कि हम अगर हारे हैं तो अपने आप के अंदर घर में ही हमको झांक के देखना चाहिए कि गलती का है, वही सुधारने के लिए मैं बार बार आ रहा हूँ।
महीने में चौथी बार आया हूं तो वो सुधारने के लिए आए हम तीनों लोग। मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन जो कहता हूं, मैं 42 साल से आज कांग्रेस में हूं, मैं 5 बार संसद सदस्य बना हूं मुंबई से, मैं मुंबई का अध्यक्ष भी रह चुका था, 5 साल मैं अध्यक्ष था प्रदेश कांग्रेस के, मैंने 2 लोकसभा के चुनाव लड़ा है, असेंबली के लड़ा है, महानगर पालिका के लड़ा है, हर बार महानगर चैनल्स के जरिए यही कहा जाता था कि कांग्रेस हार रही है। मैं जब अध्यक्ष था पहले चुनाव में 2004 के चुनाव में, कांग्रेस अध्यक्ष बंबई आई रैली के लिए और मीडिया चैनल्स ने चलाया था कि 2 सीटें सिर्फ मेरी सीट और सुनील दत्त साहब की सीट आ जाएंगी बॉम्बे में, और मुझे पूछा अध्यक्ष ने लैंड होते ही, और हमने उनको कहा था कि जहां तक मेरा अनुभव है, जो कैंपेन हमने किया है, जो फील लोगों में मिल रही है, उसमें 6 के 6 सीटें आ रही, तो ये पता नहीं कैसे मीडिया चैनल्स पे 2 सीटें बताई जा रही। उन्होंने बेस्ट विशेष कह के वो चली गई, 4 दिन के बाद चुनाव हुआ, 8 दिन के बाद रिजल्ट आ गए, 6 के 6 सीट बंबई में आ गए। तो मैं ये उदाहरण इसलिए आपको दे रहा हूं कि जरूरी नहीं उनके कौन से आधार पे वो रिजल्ट दे रहे हैं, जो ब्यौरा हम लोगों को मिल रहा है, जो बड़ौदा में मिला है, आज मिला है और आज राजकोट जा रहे हैं, तो कल जो जिला अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत होगी, जो ग्राउंड रियलिटी है वो पार्टी के पदाधिकारी और ब्लॉक प्रेसिडेंट स्तर के लोगों को ज्यादा मालूम रहती है। जो सैंपल सर्वे होता है, माफ करिए, उसमें कुछ लोगों को विश्वास होता है, मुझे उसमें ज्यादा विश्वास नहीं है। मैं अपने पार्टी के नेताओं पर और कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा रखता हूं और अक्सर वही लोग सही साबित हुए। हम तो पिछली बार जितने जीते उससे ज्यादा जीतेंगे, ये हमारी मैजिक फिगर है। अन्ना और केजरीवाल अभी कई है कि उन पर समय बिगाड़ा जाए। चलिए।